सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान, जय किसान। भाइयों, बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं पर ये विशेष लाइव कर रहे हैं, और जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पहली है जो आपको सुना भी होगा, आपने जो अखबारों में पढ़ा भी होगा, वो सिंघू बॉर्डर पे कुछ लोकल लोगों की पंचायत के बारे में। दूसरा जो मुद्दा है वो है टिकरी बॉर्डर पे जो बहादुरगढ़ में एक घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और तीसरी जो बात है वो 26 जून का जो राजभवन के ऊपर जो प्रोग्राम है सभी राज्यों में। तो यदि बात करें हम सिंघू बॉर्डर की, तो आप कई दिनों से कई साथियों के फोन भी आ रहे हैं, पंजाब से भी फोन आ रहे हैं, हरियाणा के भी दूसरे जिलों से फोन आ रहे हैं। एक अखबार में कुछ दिन पहले एक कटिंग छपी, दैनिक जागरण अखबार में, जो गोदी अखबार है और पहले दिन से जो आंदोलन के खिलाफ लिख रहा है, पहले दिन से किसान नेताओं को बेवजह बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। तो एक ये घटना आपने भी पढ़ी होगी, दैनिक जागरण में छपी कि लोकल लोगों ने कोई पंचायत की है आंदोलन के खिलाफ, ऐसा अखबार में छपा। लेकिन यदि हम आपको उसकी हकीकत बताएं, तो इस इलाके में, सिंघू बॉर्डर के इलाके में, एक गुट नहीं, एक गिरोह है, और ये गिरोह है बीजेपी आरएसएस वालों का, एक गैंग है। ये पहले भी आंदोलन को बदनाम करने का कई बार प्रयास कर चुका है। ये वही गिरोह है, ये वही ग्रुप है जिसने 26 जनवरी के बाद हमारे पवित्र लंगरों में एक जगह खाने में रेत फेंका था। ये वही ग्रुप दोबारा से एक्टिव हो गया है, और ये महापंचायत के नाम पे कलंक है, ये लोग महापंचायत के नाम पे धब्बा है, ये लोग महापंचायत करने का दावा करते हैं और कहते हैं 15 गांवों के लोग आ गए और उसमें इनके 20 आदमी नहीं होते। यदि हरियाणा में कहीं पे चले जाएंगे तो हुक्के के ऊपर 50 आदमी इनको बैठे मिल जाएंगे, और ये 20 लोगों को बुला के कहते हैं, और वो भी जो बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ता है, उनको बुला के कहते हैं कि जी हमने महापंचायत कर दी। और फिर जो गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के जो अखबार है वो उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले दिन से, जब से हमारा आंदोलन हुआ, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने एक लोकल टीम बना रखी है, और हम समय समय पर उसकी मीटिंग करते हैं जिसमें आसपास के गांव के सभी गांव से लोग आते हैं, और हम उनका पहले भी धन्यवाद कर चुके हैं। और आज भी एक बात विशेष तौर पे, जो सिंघू कुंडली बॉर्डर के आसपास के सभी गांव हैं, उनसे मैं एक विशेष बात कहना चाहते हैं, उनका विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो पिछले 7 महीने, लगभग 7 महीने से जो हमारा आंदोलन, हम सबका आंदोलन इतनी मजबूती से चल रहा है, उसमें आसपास के गांव का एक विशेष योगदान है। आपके बिना हम अपना आंदोलन इतनी मजबूती से शायद नहीं चला पाते। आपका साथ, आपका सहयोग, आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सबसे एक बड़ी बात यह भी है कि यहां की जो मेन खाप है, जो आसपास के गांव हैं, उनके बाकायदा धरने लगे हुए हैं। और हम इस बात को भी मानते हैं कि एक आधी बार, हमारा तो 80 करोड़ किसानों का परिवार है, एक आधी बार कोई छुटमुट घटनाएं हुई जो जाने अनजाने में हो गई, लेकिन उसके बावजूद आसपास के गांव के लोगों ने हमारा पूरा सहयोग किया, पूरा साथ दिया। और लगातार जब मीटिंगें होती है लोकल टीम की, वो इसलिए होती हैं कि यदि लोकल गांव के लोगों को कुछ जेन्युइन समस्या आ रही है तो उसे मिलजुल के उसे सुलझा लिया जाए, क्योंकि आंदोलन हम सबका आंदोलन है। लेकिन अब एक वो विशेष ग्रुप आरएसएस का, बीजेपी के जो लोग हैं, उनके कार्यकर्ता है, वे 15-20 आदमी इकट्ठे हो गए और वो इस तरीके का फिर भड़काने का कार्य कर रहे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा की जो लोकल कमेटी है, उसमें लोकल सभी गांव के लोग हैं, उनकी आज फिर से मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में सभी गांव के लोगों ने यह कहा कि वो जिस तरीके से पहले दिन से तन, मन और धन से इस आंदोलन के साथ हैं, वो आगे भी इसी तरीके से आंदोलन के साथ रहेंगे। और यदि कोई भी आदमी, कोई भी बीजेपी आरएसएस संबंधित कोई भी आदमी या गलत करने का कुछ प्रयास करेगा, तो लोकल लोग पहले कुर्बानी देंगे। जो दूसरे हरियाणा के, दूसरे जिलों के, पंजाब के, जो अन्य जगहों के किसान बैठे हैं, उनको कोई खरोंच तक भी नहीं आने दी जाएगी। ये मीटिंग में लोकल साथियों ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि वो भी किसान है, वो भी अन्नदाता है, वो भी किसान परिवार से है, इसलिए वो खुद किसान का दर्द समझते हैं। तो जो लोग ये बीजेपी आरएसएस के पोषित लोग, जो एक ये गैंग बना के जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, ये सावधान हो जाएं और ये जाग जाएं। जिस तरीके से ये भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से किसानों के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। ये पता नहीं नाप शनाप क्या क्या बोलते रहते हैं। तो हम आपको एक, ये सभी जो हमारे भाई हैं, जो हरियाणा के अलग अलग जिलों में बैठे हैं, जो अलग टोलों पे धरना लगाए हुए हैं, पंजाब के जो साथी हैं, अन्य राज्यों के, यूपी के, जो पूरे देश में हमारे जो साथी हैं, उनको भी ये कहना चाहते हैं, चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है।
जो हमारी लोकल टीम है संयुक्त किसान मोर्चा की, खुद की लोकल जो टीम है जिसमें सभी गांव के लोग हैं, उसने आज ये भी फैसला किया कि प्रत्येक गांव में जाके चौपाल में पंचायत की जाएगी, आसपास के लोगों को, उस गांव के लोगों को इन कानूनों के नुकसानों के बारे में और भी ज्यादा जागरूक करेंगे, एमएसपी गारंटी कानून के फायदों के बारे में उनको बताएंगे, उनको और भी अधिक जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, और यदि उनकी कोई जेन्युइन कोई प्रॉब्लम भी होगी उसको भी मिलजुल के सुलझा लेंगे, सारी चीजों का समाधान कर लेंगे। पहले भी संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंगू बॉर्डर पे लोकल लोगों के लिए विशेष मेडिकल कैंप लगवाए हैं और बहुत सारे लोगों के आंखों के ऑपरेशन करवाए हैं, लगभग 1700 चश्मे भी दिए हैं, मास्क भी बांटे थे उस टाइम पे, सैनिटाइजर भी दिए थे, काढ़ा भी दिया था, दवाइयां भी दी थी, सारी चीजें संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य सामाजिक संगठनों ने की थी। और पहले की तरह जैसे पहले यहां पे लोकल लोगों के लिए दिवस मनाया गया था, आगे भी दिवस मनाएंगे, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है हमारे भाइयों, आंदोलन पूरा मजबूती से चल रहा है और लोकल लोग भी हमारे साथ हैं। दूसरा मुद्दा है टिकरी बॉर्डर का। साथियों एक घटना आई 16 तारीख को रात को लगभग 9 बजे के आसपास, एक व्यक्ति पेट्रोल पंप से तेल लेके आत्महत्या कर लेता, जो प्रथम दृष्टि में जो मामला आत्महत्या का नजर आ रहा है, लेकिन वहां पे जो लोकल लोग थे अगले दिन, और उसमें एक बीजेपी का पूर्व विधायक भी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने शोर शराबा कर किया और प्रशासन ने सरकार के दबाव में उस आत्महत्या के मामले को हत्या के मामले में बदल दिया और एक किसान की पहले गिरफ्तारी हुई और कल एक और किसान गिरफ्तार कर लिया गया। साथियों इसमें दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। जब ये घटना हुई 16 तारीख को रात को 9 बजे के आसपास, तो जब आवाज आई कि भाई किसी ने आग लगा ली है, तो जो किसान साथी हैं वो तो भाग के गए, कंबल लेके गए और उस आदमी को कंबल उड़ा के उसकी आग बुझाई। आग बुझाने के बाद एक वीडियो भी है जिस वीडियो में इस आदमी की दुखद एक मृत्यु हुई, वो खुद ये कह रहा है कि वो अपने घर वालों से परेशान था, वो अपनी पत्नी से परेशान था और वो बार बार ये कह रहा था कि उसको क्यों बचाया। इसके अलावा अगले दिन जो बीजेपी का पूर्व विधायक और जो बीजेपी के अन्य समर्थक जो भड़काऊ भाषा वहां पे बोल रहे थे, लोगों को इकट्ठा करके जो उकसा रहे थे, लोकल लोगों को जो भड़का रहे थे, बीजेपी के उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए कि वो जनता को भड़काने का काम कर रहे थे, जनता को उकसाने का काम कर रहे थे। और एक और बात मेरे साथ भाइयों, आज संयुक्त किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल एसपी झज्जर से मिला है और बहुत सारे वीडियो बहुत सारे साक्ष्य उनको सौंपे हैं। और जब आज ये बात आई कि भाई उस पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए जहां से वो पेट्रोल लिया गया था, तो प्रशासन की तरफ से कहा गया कि उस पेट्रोल के जो सीसीटीवी कैमरे थे पेट्रोल पंप के, वो कई दिन पहले खराब हो गए थे। ये बात गले से नीचे उतरने वाली नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती, ये बात समझ में आने वाली नहीं है कि इस घटना से कुछ दिन पहले उसके सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए। अगर वो सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाए तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। किसानों को बेवजह फंसाया जा रहा है, किसान आंदोलन को बेवजह बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जब उस व्यक्ति की एक वीडियो है जिसमें वो खुद ये कह रहा है कि वो अपने घर वालों से परेशान था, वो अपनी पत्नी से परेशान था, तो इससे सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। बाद की एक कोई वीडियो दिखाई जा रही है जिस वीडियो में उस आदमी से, उस घायल आदमी से हां भरवाई जा रही है कुछ लोगों द्वारा कि भाई ऐसा हुआ, वो कहता है हां। फिर अगला क्वेश्चन होता है क्या उसने ऐसा किया था, फलाना फलाना था, वो हां कर देता है, गर्दन हिलाता है। तो ये एक साजिश है किसान आंदोलन को बदनाम करने की। और आज एसपी झज्जर के सामने पूरे साक्ष्य दे दिए संयुक्त किसान मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने और सारी चीजें स्पष्ट कर दी है। और प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है वो इस मामले की निष्पक्ष तरीके से गंभीरता से जांच करेंगे। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का सिर्फ एक कहना है भाई, यदि किसी भी घटना में, कहीं की भी घटना में यदि कोई दोषी है तो वो बचना नहीं चाहिए, और यदि कोई निर्दोष है तो वो फंसना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी निर्दोष आदमी हो इस दुनिया में, वो बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए, निर्दोष आदमी को तंग नहीं किया जाना चाहिए। और यदि दोषी है कोई, यदि किसी ने गलत काम किया है, वो कोई भी हो, चाहे वो हमारे परिवार का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, यदि किसी ने गलत काम किया है, यदि कोई दोषी है, तो उसको सजा होनी चाहिए। ये हमारा साफ मोटो है। और साथियों अंतिम बात, जो 26 तारीख का प्रोग्राम है जो राजभवन का संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया है, उसके बारे में एक हम क्लैरिटी करना चाहते हैं। 26 तारीख को जो कार्यक्रम है उसमें रोष मार्च पहले किया जाएगा, एक मार्च करके लोग जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे,
वहां पे धरना देना है राजभवन के सामने और फिर रोष पत्र देना है। मीडिया ने कुछ जगह चली चीजें कि राजभवन का घेराव करना है, काले झंडे दिखाने हैं। ये बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कोई घेराव का कार्यक्रम नहीं है, कोई काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम बड़ा ही शांतिपूर्ण है। राजभवन से दूर इकट्ठे होंगे, वो सब राज्यों ने अपने अपने पॉइंट तय कर रखे हैं, वो आपकी राज्य के नेता बता देंगे। वहां से पैदल मार्च करके एक रोष मार्च के रूप में प्रदर्शन करते हुए राजभवन तक जाएंगे, वहां पे धरना देंगे, शांतिपूर्वक धरना होगा और फिर अपना रोष पत्र जो राष्ट्रपति के नाम जो भेजना है वो राज्यपाल के माध्यम से हम भेजेंगे। तो मेरी विशेष विनती है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो कानूनी तौर पे देश के सर्वे सर्वा होते हैं, देश के वो मालिक होते हैं, वो संविधान के रक्षक होते हैं। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को कोई छोटा कार्यक्रम ना माने, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हम विनती करते हैं देश के सभी किसानों से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और असम से लेके गुजरात तक, कि अपने अपने राज्यों में मेरे भाइयों उस दिन बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना रोष मार्च निकालते हुए अपने अपने राज्य के राजभवनों तक जाएं, वहां पे धरना दें और उसके बाद अपना रोष पत्र जो राष्ट्रपति के नाम है वो महामहिम राज्यपाल को जरूर सौंपें। साथियों, हमारा लगभग 7 महीने हो चुके आंदोलन चलते हुए, हम आंदोलन जीतने के बहुत करीब हैं। हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, हम निश्चित तौर पे 100% आंदोलन जीतेंगे। बस हमें अपना हौसला, हमें जज्बा, अपना जोश ठीक इसी तरीके से बनाए रखना है जैसे आज तक हम रखते आए हैं। और अंत में ये विशेष निवेदन है, एक किसान एकता मोर्चा आपकी आवाज है, आपका पेज है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वॉलंटियर्स की टीम है जो तन मन धन से पूरे तरीके से सेवा कर रही है। तो आप इसे स्नेह देते रहें, आप इसे आशीर्वाद देते रहें, और आशीर्वाद देने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, इस पेज को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट डाल के यदि आपको कोई सुझाव भी हो इस टीम के लिए वो जरूर भेजें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत।